नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम प्लेन कुर्ती पर फ्रंट नेक डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। नेक बनाने के लिए सबसे पहले हमने बुकरम ली है, जिसकी लेंथ है 18 इंचीज। अलग से मैंने एक पीस कट करके इसके साथ अटैच किया है ताकि हमारी बुकरम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और चौड़ाई है 9.5 इंचीज। इसको हम सेंटर से सीधा मोड़ लेंगे। अब हमें नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है जो कि 3 इंच है। आप कम या ज़्यादा भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। अब हम लगाएंगे नेक की लेंथ का निशान। यहाँ पे मैं लगाऊंगी 7 इंचीज। आप डीप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सभी निशानों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें नेक की शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ से हम हल्की हल्की बुकरम कट करेंगे और जितनी भी आपको रेडी करनी है डिज़ाइन की लेंथ, वहाँ तक आप ड्रॉ करें। मैं यहाँ पर रेडी करूँगी 8 इंचीज। एक्स्ट्रा बुकरम को हम कट कर देंगे। यहाँ से हमें बिल्कुल हल्के हल्के बुकरम कट करने हैं। यहाँ पे हम पाइपिंग निकालेंगे। अब हमें फैब्रिक लेना है और रॉन्ग साइड हम नेक को रखेंगे। नेक की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे और अच्छे से नेक को मिलाते हुए निशानों के साथ इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम रफली लगा लेंगे। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है और उसके बाद दोनों साइड हमें कट लगाने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, ये हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है और राइट साइड सेंटर में हम सीधा निशान लगाएंगे। नेक को अच्छे से हमें सेंटर में मिलाना है निशान के साथ। अब यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे। जहाँ तक हमने ये कट बनाया है वहीं हमें ये निशान लगाना है। अब सेंटर में रखते हुए निशान को हम 2.5 इंचेस चौड़ा एक निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम सीधा मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद हम नेक को सेंटर में रख के चेक करेंगे। देखिए, ये जो हमारी नेक की लेंथ का निशान है, यहाँ पे भी हमें एक निशान लगाना है। अब हमने ये गोटा लिया है। गोटे को हम सेंटर में अच्छे से मिलाएंगे और इसको हमें अटैच करना है। जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है उसके अंदर हमें गोटे को अच्छे से रखना है। निशान के बाहर तक हम गोटे को रखेंगे। और अच्छे से वी शेप देते हुए हमें डिज़ाइन बनाना है गोटे के साथ। इसी तरह से जो हमने बॉक्स बनाया है उसको डिज़ाइन बनाकर फिल करेंगे पूरा। देखिए, हमने पूरा डिज़ाइन बना लिया है गोटे से और हमने ये लेस ली है। लेस को जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी के साथ मिलाएंगे। और जो ये हमारा गोटा है उसको हम लेस से ही कवर करेंगे। गोटा लगाने से पहले हमने जो बॉक्स बनाया था उसी के साथ हम मिलाते हुए हमें इस लेस को अटैच करना है।
सिंपल हम इस तरह से लेस को दूसरी तरफ मोड़ेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं हमने थोड़ी एक्स्ट्रा ही लेस रखी है ताकि वो नेक के अंदर अच्छे से दब जाए। दूसरी साइड भी लेस के हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम नेक को सेंटर में अच्छे से मिलाएंगे। देखिए लेस को हमें अच्छे से दबाना है नेक के साथ। नेक पर हम सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हमें ये सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के किनारे के साथ हम ये सिलाई लगाएंगे और यहाँ जो सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे उसमें हम हल्के से बुकरम को दबा देंगे ताकि जो हम कट करें तो हमारे धागे न निकले जब हम नेक को राइट साइड टर्न करें, क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा नहीं होता है तो ये निकल जाता है बुकरम से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अभी हमें कट करना है। छोटे छोटे कट लगाएंगे। नेक को अभी हमें रॉन्ग साइड टर्न करना है और अब हम बड़ा टाका करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। बाद में हैंड स्टिच करके हम इस सिलाई को निकाल देंगे। उसके बाद हमें पाइपिंग लेनी है। यहाँ पे हम रेडीमेड पाइपिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो पाइपिंग बना भी सकते हैं। इसकी वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर दी है कि किस तरीके से हम थ्रेड के साथ पाइपिंग बना सकते हैं। इसको सिंपल हमें नेक के साथ रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट करेंगे। हाफ नेक पर हमने पाइपिंग लगा ली है और बाकी हाफ नेक पर भी हम इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए पूरे नेक पर हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हमने जो कट बनाया था उसको फैब्रिक की सीधी पट्टी कट करके बंद कर देंगे। पट्टी को हमें डबल फोल्ड करना है। इसको कट के साथ अच्छे से मिलाएंगे और किनारे पर सिलाई लगाते हुए हम फैब्रिक को कट के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद जो हमने कट बनाया है उस पर लगाएंगे बटन और हमारा नेक डिज़ाइन पूरा बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।